ये हाय गाइस, मेरा नाम मनोज कुमार है। आज हम लोग पढ़ने वाले डिवीजन पार्ट नंबर 4 है। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए पार्ट 4 में हम लोग पढ़ लेते हैं। स्पेशल केस है, ठीक है। चलिए सेम ट्रिक वही अप्लाई किया है करना जो आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में किया था, पर यहाँ पर मैं पॉइंट वाला आज बताने वाला, इस वीडियो में पॉइंट वाला बताने। तो देखिए, 3 का टेबल पढ़ना 7 से ज़्यादा नहीं चाहिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अगेन जा गया तो 3 2 जा 6, ठीक है। माइनस कर दीजिए, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट नंबर तो दिया भी नहीं, कॉपी नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे। सबसे अच्छा पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट के बाद आपको जीरो बढ़ा सकते हो। पॉइंट जैसे आपने बढ़ाया ना, जीरो कॉपी कर सकते हो। अब 3 का टेबल पढ़िए, 10 से ज़्यादा नहीं चाहिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अगेन ज़्यादा हो गया तो 3 3 जा 9 लेंगे। 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया, अगेन 1 आ रहा है। पॉइंट बढ़ा है तो आप जीरो कॉपी कर सकते हो, ठीक है। जीरो और कॉपी कर सकते हो, जब भी पॉइंट बढ़ाते हो आप तो जीरो कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब 3 का टेबल पढ़ना, अगेन 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अगेन आएगा। 3 3 जा 9, अगेन आएगा, तो वापस 10 में से 9 गया 1। अब देखिए बार बार 1 ही मिल रहा है, नंबर रिपीट होते जा रहा है। अगेन आपने पॉइंट बढ़ाया है तो जीरो कॉपी कर सकते हो। 3 3 जा 9, अगेन 1 आ रहा है, 10 में से 9 गया 1 आ रहा है, ठीक है। तो बार बार रिपीट होते रहेगा, ये टर्म बार बार रिपीट होगा। 2.33333333 जब तक आपको चाहिए वहाँ तक आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी मैं सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 4 का टेबल पढ़ना 36 37 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 4 1 जा 4, ऐसे पढ़ेंगे तो आप 4 9 जा, यहाँ पे देख सकते हो 4 9 जा 36, ठीक है। माइनस करिए, 7 में से 6 गया तो बचेगा 1, 3 में से 3 गया तो बचेगा 0, ठीक है। अगेन नेक्स्ट नंबर नहीं है तो कॉपी भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो क्या करना है, यहाँ पे आपको पॉइंट बढ़ाना। पॉइंट वाला बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने आपको पॉइंट वाला बता रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो आपने जैसे पॉइंट बढ़ा दिया तो जीरो कॉपी कर सकते हो। 4 2 जा देख सकते हो आप, 8 होता, 4 2 जा 8, अगेन 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2। अगेन आप पॉइंट बढ़ा दिए तो जीरो कॉपी कर सकते हो। तो 4 का टेबल पढ़िए, 4 5 जा 20, ठीक है। 4 5 जा 20, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। 9.25 का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। सेम आपको वही ट्रिक अप्लाई करना जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आपने किया था, ठीक है। यहाँ पे सेम आपको क्या करना है, 4 1 जा 4 करना है, ठीक है। माइनस कर दीजिए, 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर कॉपी कर सकते हो, तो नेक्स्ट नंबर 6 आएगा। अब 4 का टेबल पढ़ना 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अगेन ज़्यादा तो 4 1 जा 4 लेंगे। 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 बचे, अगेन डिविडेंड कम है, डिविजन ज़्यादा, अगेन नेक्स्ट नंबर कॉपी करेंगे, नेक्स्ट नंबर 2 है। अब 2 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20 होता है, ठीक है। अगेन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 2 गया 0, ठीक है। अगेन नेक्स्ट नंबर कॉपी करेंगे क्योंकि डिविडेंड छोटा है, डिविजर बड़ा है, तो 21 हो जाएगा। अगेन 4 4 5 जा 20, तो माइनस करिए इसको, तो 1 में से 0 गया 1, 0, 2 में से 2 गया 0। अगेन क्या करेंगे आप, कोई नेक्स्ट नंबर है भी नहीं, कॉपी भी नहीं कर सकते, क्या करना है, सबसे अच्छा आपको यहाँ पे आपको पॉइंट बढ़ाना है। जैसे पॉइंट बढ़ाए आपने, यहाँ पे जीरो कॉपी कर सकते हो। तो 4 2 जा देख सकते हो, 8 होता, 4 2 जा 8 होता है, 10 में से 8 गया कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगेन आपने पॉइंट बढ़ाया है तो आप जीरो कॉपी कर सकते हो। 4 5 जा 20 कितना आएगा, 4 5 जा 20, देख सकते हो यहाँ पे रिमाइंडर, अभी यहाँ पे देख सकते हो 0 0 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल 3। चलिए लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7 का टेबल आपको पढ़ना है 34 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 7 4 जा 38, ठीक है। माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब आपके नेक्स्ट नंबर कॉपी करना है, 6 2 कॉपी करना है। 7 का टेबल पढ़िए 62 से ज़्यादा, तो 7 8 जा 56 होता है, ठीक है। माइनस कर दीजिए, यहाँ से नहीं जाए कैरी लेंगे तो 12 में से 6 गया 6 आएगा, 5 में से 5 गया 0। अगेन नेक्स्ट नंबर कॉपी करेंगे 67, ठीक है। अब 7 का टेबल पढ़े तो 7 9 जा 63 होता, 7 7 7 10 जा 70 हो गया, अगेन ज़्यादा हो गया, तो 7 9 जा लेंगे 63, ठीक है। माइनस कर दीजिए तो 7 में से 3 गया 4 बचेगा, 6 में से 6 गया 0 बचेगा, अगेन, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं
फोर है, ठीक है, डिविडेंड कम है, डिविजर ज़्यादा है, नेक्स्ट नंबर भी नहीं है तो कॉपी कर सकते हो। तो सबसे अच्छा आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाना है, जैसे आपने पॉइंट बढ़ा दिया आप जीरो यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। तो देख सकते हैं 7 4 20 नहीं 7 4 20 और 7 5 35 अगेन, तो 7 5 जाएगा, सॉरी 7 5 जाएगा, 7 5 35 माइनस कर दिया 40 में से 35 का, तो कितना 5 बचेगा। अगेन नहीं जाएगा, डिविडेंड कम है, डिविजर बढ़ा, तो अगेन पॉइंट आपने बढ़ा दिया एक बार, तो आप जीरो कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो 7 का टेबल पढ़िए, 7 50 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 7 7 देख सकते हो, 7 7 कितना आएगा, 49 आएगा। ठीक है, 7 7 कितना आएगा, 49, अगेन माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। अभी डिविडेंड कम है, डिविजर ज़्यादा, अगेन पॉइंट आपने बढ़ा दिया है, जैसे ही पॉइंट आपने बढ़ा दिया है आप जीरो कॉपी कर सकते हो। तो देख सकते हो 7 1 7 7 2 14 टू ज़ा कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक कम लेने का 7 1 7 तो माइनस करें 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगेन आपने पॉइंट बढ़ाया है, आपने ये पॉइंट बढ़ा दिया है तो आप जीरो कॉपी कर सकते हो। ठीक है, 7 का टेबल पढ़िए, 30 से ज़्यादा नहीं होता। 7 4 क्या होता है, 7 4 कितना होगा, 28 होगा, अगेन माइनस कर दीजिए कितना बचेगा, 2 बचेगा, अगेन 2 आ गया। अब कोई नेक्स्ट नंबर है नहीं, तो काम करिए पॉइंट बढ़ाए तो जीरो कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो 7 2 14 होता है, 7 2 14 होता है, 14 माइनस कर दीजिए कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, बार बार नंबर रिपीट होते रहेगा तो आप करते रहेंगे, कितने भी करते रहेंगे पॉइंट के बाद 3 4 5 6 7 8 डिजिट, कितने भी डिजिट आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो ये रहा डिवीज़न पार्ट नंबर 4। ठीक है, थैंक यू।